नमस्कार दोस्तों, मधुर आस्था कंपनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोग अगरबत्ती बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण वे गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत अधिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, हम खुद अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। काफ़ी लोग मुझसे अगरबत्ती बिजनेस की राय लेने के लिए आते हैं और हम उनकी फुल हेल्प करते हैं, जिससे वह अपने बिजनेस को ऊंचाई तक लेके जा सकें और उस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो बिजनेस कर रहा है उसे हर तरह की नॉलेज होती है। मैं आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे और कहां से करें, जिससे अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सके, जिससे आप किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और न ही अधिक लागत लगानी पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर यह पहली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। अगरबत्ती बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जो हर घरों में, हर मंदिरों में, हर दुकानों में डेली यूज होने वाली सामग्री है और इसकी खपत देश और विदेशों में बहुत ज़्यादा है। इस बिजनेस से आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। अगरबत्ती बिजनेस दो प्रकार से शुरू किया जा सकता है। एक नंबर, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके, और दूसरा तरीका है सीधे तैयार सेंटेड या अनसेंटेड अगरबत्ती खरीदकर। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, तो आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करने की बजाय आप सीधा तैयार सेंटेड या अनसेंटेड अगरबत्ती खरीदकर अपने बिजनेस की स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करने का मतलब है आपको 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती मशीन परचेज करनी पड़ेगी, जिसकी प्राइस लगभग 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको एक ड्रायर की आवश्यकता पड़ेगी, जो अगरबत्ती सुखाने के काम में लिया जाता है। वह लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए में परचेज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको एक मिक्सर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका काम रॉ मटेरियल मिक्स करने के काम में लिया जाता है। दोस्तों, यह भी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए में परचेज करनी पड़ेगी। और मशीन चलाने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, जिसे आप
ना ना करते 8,000 रुपये सैलरी देनी होगी और एक हेल्पर भी आपको रखना पड़ेगा जिसे 5,000 रुपये देने होंगे। और अन्य खर्चे अलग हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बिल हुआ और रेंट किराया हुआ और अन्य खर्चे सम्मिलित हो जाते हैं। दोस्तों, इतना खर्चा करने के बाद भी यह गारंटी नहीं है कि मशीन का बना हुआ इतना माल आप पूरा सेल कर सकोगे। अगर सेल नहीं हुआ तो आपको काफ़ी दिक्कतों और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आप कम पूंजी में अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको तैयार सेंटेड या अनसेंटेड अगरबत्ती खरीदनी है और अपने बॉक्स या पाउच में अगरबत्ती डालकर इस बिजनेस की शुरुआत कर देनी है और अपने गांव से लेकर तहसील, जिला, देश विदेश तक अगरबत्ती के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको उच्च क्वालिटी से निर्मित तैयार सेंटेड या अनसेंटेड अगरबत्ती खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी से भी खरीद सकते हैं, जिसमें उच्च क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करके अगरबत्ती तैयार की जाती है। इस कंपनी में एक विशिष्ट प्रकार का पाउडर यूज करके अगरबत्ती तैयार की जाती है, जिसे अलग अलग जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे हर्बल पाउडर कहते हैं, जो अन्य कंपनियां यूज नहीं करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी मधुर आस्था कंपनी यूज करती है। अगर आप अगरबत्ती बिजनेस से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829787821 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे अगरबत्ती पर सेंट किस तरह चढ़ाया जाता है और क्या क्या रॉ मटेरियल मिलाया जाता है।